नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद सीतापुर के विकासखंड परसंडी की ग्राम पंचायत मेवा रामनगर में अब तक टीवी चैनल ने सच जाना चाहा, जिसे देखकर आप रह जाएंगे दंग। कायाकल्प योजना में ग्राम पंचायत मेवा रामनगर में सरकारी धन से प्राथमिक विद्यालय रामनगर व प्राथमिक विद्यालय मेवा में जो विकास का कार्य हुआ है, उसे देख करके लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। इन दोनों विद्यालयों की बाउंड्री वाला निर्माण में सरकारी धन लगभग 4 लाख रुपए खर्च किया गया है, परंतु बाउंड्री जमीन पर बनकर तैयार नहीं हो पाई है। जबकि ग्राम पंचायत सचिव के अभिलेखों में अवशेष बाउंड्री व गेट के निर्माण पर भी दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को कार्य का नाम आईडी संख्या 5505029 पर धनराशि 1,42,911 रुपए व्यय का वाउचर दिख रहा है। अवशेष बाउंड्री बना देने का अर्थ है अब कोई बाउंड्री बनना शेष नहीं बची है, परंतु मेवा प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री पूरी नहीं बन सकी है और ना ही मेवा प्राथमिक विद्यालय तथा रामनगर प्राथमिक विद्यालय में गेट लगाए जा सके हैं। वह धन के विषय में पंचायत सचिव से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका फोन उठा ही नहीं। ग्राम प्रधान से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ ही जाता रहा। लोगों ने बताया ग्राम प्रधान के पास यह नंबर है ही नहीं। तब ग्राम पंचायत के पंचायत मित्र से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। पंचायत मित्र ने कहा, प्रधान से क्या बात करनी है, सारी बात मुझे बताओ, मैं ही पंचायत मित्र, मैं ही प्रधान हूँ। अर्थात निर्वाचित प्रधान रामजीवन केवल नाम के प्रधान है, काम के प्रधान तो पंचायत मित्र ही है। यह बड़ी ही विचित्रता की बात है। योगी सरकार जहां प्रधानों को स्वयं सारे कार्य करने हेतु जोर दे रही है, वहीं पर मेवा रामनगर में प्रधान लोगों की कठपुतली बना हुआ है। योग दिवस के उपलक्ष में योगाभ्यास के बाद शुरू हुई कथाएं, ग्राम पंचायत में दो प्राथमिक विद्यालय आमने सामने बने हैं। विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है। दोनों विद्यालयों के अध्यापक एक ही क्षेत्र में अपने नामांकन के लक्ष्य को किस प्रकार पूर्ण करा पाएंगे, यह कठिन कार्य है। विद्यालय के छात्र कैमरे के सामने सामान्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, जिस पर अध्यापकों ने अधिक मेहनत करके बच्चों को ज्ञानार्जन कराने को कहा। प्राथमिक विद्यालय मेवा में बाउंड्री वॉल अपूर्ण होने से गंदगी का अंबार मिला। यद्यपि टीम के निरीक्षण करने के एक दिन पूर्व ही एडीओ पंचायत परसेंडी अशोक यादव ने पंचायत में नियुक्त सफाई कर्मी को निर्देश दे दिया था कि ग्राम पंचायत मेवा रामनगर के समस्त विद्यालय, ग्राम ओद्राहा सहित सभी विद्यालय अवश्य साफ हो जाए, परंतु सफाई कर्मी ने एडीओ पंचायत के निर्देश को नहीं माना। मीडिया टीम के पहुंचने तक विद्यालयों की सफाई नहीं हो सकी थी। सीतापुर से आदित्य दीक्षित की रिपोर्ट। ये भैया किस विद्यालय के पास हम खड़े हैं समय? ये विद्यालय का क्या नाम है, किस गांव में है? मेवा। तुम किस गांव में रहते हो? मेवा। मेवा में विद्यालय बना है? प्राइमरी स्कूल है, कौन है? प्राइमरी स्कूल। इसकी बाउंड्री ये पूरी बनी थी कभी? नहीं बनी, अभी नहीं बनी। ये बनी है नहीं है कि गिर गई? अभी थोड़ी बनी। नहीं, ये थोड़ी बनी, पूरी बनाई नहीं गई है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।